जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे के पकौड़े। ये देखिए, बहुत अच्छी ही आसान रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक कटोरी पोहे लिए हैं और इसे साफ़ करके मैंने रख लिया था। और इसमें अब एक गिलास पानी से इसको अच्छे से भिगो देते हैं। धीरे धीरे पानी डालना है और अच्छे से भिगोते हैं। इसको सारे पोहे को मिक्स कर लेना है और कुछ देर के लिए ढक के 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देने हैं। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए और ये सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। अब इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसको अच्छे से एकदम मैश कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से मैश मैंने कर लिया। अब मैं इसमें तड़के लगाने के लिए ये मैंने तेल डाला है और आधी चम्मच राई, थोड़ी सी एक चम्मच चना का दाल, एक चम्मच उड़द की दाल। चने और उड़द की दाल इसलिए डालें, खाने में कुरकुरापन और लगेगा, खाने में स्वाद जिससे बढ़ जाए। और ये एक चम्मच छोटी मीठी सौंफ, और इसे अच्छे से चला ले रहे हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अब इसमें मैंने कढ़ी के पत्ते 6-7 लिए हैं। अब ये फ्राई करने के लिए अच्छे से रेडी हो गया है ये बिल्कुल। अब इसमें पोहे में डालते हैं। मैंने हरी मिर्च रख लिया था, काट के छोटी छोटी बारीक एक। ये अदरक कद्दूकस किया हुआ एक चम्मच। ये रेड चिली, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये नमक स्वाद अनुसार। हरे धनिए कटे हुए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम। अब ये ऐसे गोल गोल छोटे टिक्की की तरह बना ले लें। अब मैंने ये कढ़ाई लिया है और इसमें तेल डाल रही हूँ, और ये कढ़ाई तेल है, कढ़ाई में मैंने तेल डाला, ये बिल्कुल लाल है। और ये मैं एक एक करके पोहे के पकोड़े डालते जाना है। जब एक लाल हो जाए तब दूसरा डालना है, नहीं तो ये पोहे क्या है, चिपकने लगेंगे। आप देखिए, ये पोहे अच्छे से हो गए हैं मेरे। ये पोहे बिल्कुल तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।